हाय, वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे क्विज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा है और एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है और उस प्लेटफॉर्म पे रात को 9 बजे ये क्विज कराया जा रहा है। ये क्विज क्या है, किसके लिए है, इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। सो, बिना देर किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको बता दूं मैं कि यह जो क्विज कंपटीशन कराया जा रहा है, यह सब्जेक्ट इंग्लिश रिलेटेड है और इंग्लिश में भी कॉम्पिटेटिव लेवल का है। कॉम्पिटेटिव लेवल मतलब अगर आप टेट, सीटेट या फिर एयरफोर्स, नेवी, इस तरह की एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं तो यह प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो टेलीग्राम आप जो होता है टेलीग्राम एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे और जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो मेरा जो नंबर है 8318336498, इस नंबर्स पे आप मुझे मैसेज करेंगे। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे करते हो, पहले आप नंबर सेव करते हो, इस नंबर को आप सेव कर लें और फिर आप व्हाट्सएप पे जैसे मैसेज करते हो, आप टेलीग्राम पे भी सेम ऐसे ही इस नंबर पे मैसेज करोगे। फिर मैं जो ग्रुप है सरस्वती क्विज पॉइंट, उसमें आपको ऐड कर दूंगा और ऐड करने के बाद आपको टोटल डिटेल बता दी जाएंगी कि क्विज का टाइमिंग क्या है और ये कितने बजे स्टार्ट होता है। बेसिकली अभी तो 9 PM जो टाइमिंग रखा गया है वो 9 PM का रखा गया है और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं कि होल ग्रामर उसमें इंक्लूड नहीं होता है, टॉपिक दी जाती हैं। सपोज कीजिए आर्टिकल टॉपिक हो गया आज का, तो आर्टिकल से कम 30-40 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अगर आपका नाउन टॉपिक होगा तो नाउन से दिए जाएंगे। अभी तो हाल ही में 2 दिन पहले ही क्विज स्टार्ट हुआ है तो अभी जो टॉपिक चल रहा है, जो आज रात को टॉपिक है, वो आर्टिकल होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी मतलब क्विज कराए जाएंगे उसके लिए पहले से ही 24 आवर्स बिफोर आपको जो है कि टॉपिक का नाम बता दिया जाएगा कि इस टॉपिक पे जो है कि क्विज होने वाला है जो कि रात को 9 बजे होगा। आप आराम से तैयारी कर लें उसको। आप उसको कई बच्चे कहते हैं कि जैसे कि क्विज हो रहा है 2 दिन से तो काफ़ी बच्चे परेशान हैं, कह रहे हैं सर आप पढ़ा दें तो फिर पढ़ाने में काफ़ी टाइम होगा और मेरे यूट्यूब पे तो अभी 505 सब्सक्राइबर हैं, सो आई कांट गो लाइव, ऑल्सो लाइव नहीं पढ़ा सकता हूँ और फिर काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो आप YouTube पे जाओ, YouTube पे जाके कई सारी आर्टिकल की, नाउन की, मतलब जो भी टॉपिक आपको दिया जा रहा है उसकी वीडियोस वहाँ पे क्या हैं अवेलेबल हैं, आप उसको देखो। उससे नहीं होता, आपके पास जो भी बुक है ग्रामर की, आप उसमें आर्टिकल टॉपिक है, नाउन टॉपिक है, नरेशन है, वॉइस है, जो भी है आप उसको पढ़ो और फिर रात को 9 बजे एग्जाम के लिए तैयार रहो। अब इसमें मैं बता दूँ कि पर क्वेश्चन जो है आपको ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स या फिर 1 मिनट का टाइम मिलता है। यह क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन अगर ज़्यादा हार्ड है तो वहाँ आपको 1 मिनट टाइम दिया जाएगा, अगर क्वेश्चन थोड़ा इजी है तो वहाँ पे आपको 30 सेकेंड्स। अब ये टेस्ट होता क्या है कि टेस्ट में जैसे कि 30 क्वेश्चंस हो गए तो 30 क्वेश्चंस में जैसे कि 30 सेकेंड का टाइम होता है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा और जैसे ही 30 सेकेंड आप उसका आंसर दे देते हो या नहीं देते हो, दो तभी भी आफ्टर 30 सेकेंड्स वो क्वेश्चन सफल हो जाएगा। मतलब सफल का मतलब होता है वो हट जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हट के दूसरा, फिर ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर 30 सेकेंड्स आपको एक ही क्वेश्चन मिलते जाएंगे और जैसे ही क्विज खत्म होगा उसके मात्र 30 सेकेंड्स, विद इन 30 सेकेंड्स मतलब 30 सेकेंड के अंदर ही आपके रिजल्ट आ जाएंगे। आप ही के नहीं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स उसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जितने भी लोगों ने क्विज दिया है उन सब का नंबर आ जाएगा। नंबर कैसे आता है, जैसे मान लीजिए 30 नंबर का क्वेश्चन था उसमें किसने 19 पाया तो 19 नंबर के साथ साथ वहां पे टाइम भी दिखाता है 5 मिनट 40 सेकेंड्स ऐसे करके, मतलब वहां आपको ये भी दिखाया कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो कितने मिनट में किए हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे कि आप क्वेश्चन को ज्यादा मतलब टाइमिंग से कोई मतलब है नहीं, वैसे हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, टाइमिंग को हम बाद में देखेंगे कि हमारा कितना टाइम में कितना हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे बच्चों ने, मैंने स्टेटस पे डाला हुआ था कि ये क्विज चल रहा है तो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है कि सर इसमें कैसे पार्टिसिपेट करें। तो पार्टिसिपेट करने के लिए आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद मेरे इस नंबर पे आपको मैसेज करना होगा, आफ्टर दैट आई विल ज्वाइन यू इन दैट ग्रुप और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको रात को 9 बजे वहां पे जाके आप क्विज कंपटीशन दे सकते हैं। ठीक है, और यह जो क्विज है मैं फिर एक बार बता दूं, यह एयरफोर्स, नेवी, टेट, सीटेट,
इस तरह की और भी जो मतलब लोअर लेवल की कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस है जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है उससे रिलेटेड है। हाँ, और भी एक बात बता दूँ कि जो 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन का प्रारूप बदलता हूँ, क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन आ गया, जैसे दे दिया द पुअर्स आर ऑनेस्ट, तो इसमें आपके चार पार्ट्स कर देगा, 1 2 3 4। यहाँ पे लास्ट वाले पार्ट में होता है नो एरर, ध्यान दे। तो इस चार पार्ट्स में क्या ध्यान देना है, देखिए इसमें 1 2 3 4 नहीं लिखा है, लेकिन आप देखो तो ये पहला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, लेकिन आपके क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा। अब आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ऑप्शन मिलेगा, आपको पता करना है कि किस पार्ट में गलती है। बेसिकली जो चौथा पार्ट होता है इसको हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमारे किसी भी पार्ट में कोई गलती ना हो। अगर आपका दिया हुआ सेंटेंस टोटली करेक्ट है तो आप चौथे वाले पे क्लिक करोगे, यानी कि चौथे को सही करोगे। अगर मान लो कि मेरा इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इसमें गलती है, द पुअर्स नहीं होता है, या तो द पुअर लिखिए, ठीक है, तो सही होगा, या पुअर पीपल लिखिए तब सही होगा, तो इसमें पहले वाले में गलती है, तो आप पहले पे जाओगे। तो अगर आपकी किसी पार्ट में गलती है तो आप उसको सिलेक्ट करो, अगर आपको सेंटेंस सही लग रहा है तो आप चौथे पे चले जाओगे। कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपका सीरीज है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, ये कभी कभी ऐसे आ जाता है जैसे 2 4 3 1, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है जिसमें ऑप्शन आपके जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आपको वही करना है, आपको अगर पहला पार्ट में गलती दिख रहा है तो आपको पहले पार्ट पे जाकर क्लिक कर देना है, ठीक है। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस क्विज को काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन यूज कर इंस्टॉल कर लें और उसके बाद मुझे इस मैसेज इस नंबर पे जो है कि मैसेज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।